बोली है बांदी, जप कौन शिवलिंग भूल, जपा पिन को दियो समझाई रे। बोली जकी बारप मर गई मात कुमर को पाल तो दुख उठा रे। मैंने सब दुनिया तई छोड़ी अकेले जब कुमर प्यास लगा रे। मैया रो रो करके सारा हाल बताने लगी, जब काहे कि इसके माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के गुजर गए, मैं इस बच्चे को पाल रही हूँ तो वो भी एक मैया से बालक को वे दूर कर रहे हो, भैया छोड़ दो इसे। जो ये इतना बालक ने सुना है तो वो पूछने लगा, क्यों मैया, क्या मेरे माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं और आप मेरी कौन हो? आ मेरी माँ नहीं हूँ माँ? तो बांदी कहने लगी, पुत्र मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तेरा केवल पालन कर रही हूँ पुत्र। उसी समय सारा हाल बांदी ने बताया है उस बेटा को कि तू कौन है और तेरे माँ और पिता कौन थे। लाल सुन, अरे एक पंचमढ़ी सुवधाम नाम तेरे बबुला की रजधानी रे, और प्राण न प्यारी चंद्रकला जो हती तेरी महतारी रे। बात मात तेरी
सौंप दियो मेरे हाथ बहन बेटा के प्राण बचाइयो रे। जब सियाना हुई जाए तुम्हारा बहन तेरो सब ऐसा न चुका दूरे। सज्जनों सारा हाल उस पुत्र को बताया है लाल, तेरा पिता और तेरी मां दोनों तेरे खत्म हो चुके हैं और तेरी मैया ने मेरे हाथ तुझे दे दिया था, मैं तेरा पालन पोषण कर रही। इधर जल्लाद जल्लादों ने देखा कि ये दोनों बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मंत्री का आदेश है किसे मार के आओ। मैया में ढकेला दिया और उस बालक को हाथ से झपटा दुष्ट लेकर के जंगल में पहुंचे। ऐसा ही नहीं, बांदी तो रोती रोती पागल हो गई, घर से निकल गई। बंधुओं इधर बालक जब जंगल में पहुंचा तो जल्लाद कहने लगे, देख जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण किया जाता है, मैं तेरी कोई इच्छा को तो पूर्ण नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर है, तू जिसको ज्यादा प्रेम करता हो तो थोड़ा तुझे समय दिया जाएगा, तू उसका ध्यान कर ले। उस बालक ने जब देखा तो सोचने लगा कि मेरी मैया भी जन्म देने वाली जो थी वो भी छोड़ गई, एक पालन करने वाली मां थी वो भी मुझे छोड़ गई, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है नाथ। और आंखों में आंसू भर के वो बालक बोला, अरे दाता मोहिती नाना को रे ना।
भगवान का ध्यान करके रोया प्रभु नर्मदेश्वर का, तो जल्लाद कहने लगे, भैया ये तो कोई लग रहा है कि भगवान का भक्त है, हम और आपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, ऐसा करो इसे छोड़ दो, शायद हो सकता है कि एक भगवान के भक्त को छोड़ने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। भैया एक बोला, सुनो क्या भूल गए, अगर इसे छोड़ोगे तो मंत्री जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरा बोला, तो सुनो उसने यही तो कहा है कि इसकी एक उंगली काट के इसका एक निशान मुझे देना, है ये तो नहीं कहा है कि उसको पूरा शरीर देना। बोले बात तो सही है, तो ऐसा ना करो कि इसकी एक उंगली काट लेते हैं और इस बच्चे को छोड़ दो भैया। बोले ठीक है, तो सभी जल्लादों ने स्वीकार किया और उस बच्चे की एक उंगली काट ली और उस बच्चे से कहा है कि सुन पीछे मुड़ के मत देख लेना, तू जितनी दूर जा सके चला जाना, अगर तू लौट के पीछे आया तो तू भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे तेरे साथ, इसलिए चला जा। मेरे बंधुओं, इधर जल्लाद तो लौट करके आए हैं और उंगली काट करके एक निशान जाकर मंत्री सुमंत को दिया, और इधर वो नन्ना सा बालक रोता हुआ जा रहा है, मेरे बंधुओं नर्मदेश्वर प्रभु का ध्यान करता हुआ, हे नाथ करे नर्मदेश्वर को ध्यान रे बेटा आगे चल दियो, शरण प्रभु लियो, सज्जना अंगुली में खून बह रहा है और दर्द से बालक हैरान है, रोता जा रहा, भगवान का ध्यान करता जा रहा है। ऐसा नहीं प्रिय बंधुओं, बेटा भाज तू जा तू अगार मेलन नीर बहे लाला के, जो हाथ पकड़ी की रो बिलखाई दर्द हो तू अंगुली में वारी, अरे अपनों कोई नए पड़े दिखाई कर कर याद अजु मैया बबुल की, अरे बेटा वो तुरो बिलखाई फेर न आई मोती हमारी, अरे एक मैया मेरी पालना हार दुश्मन कर गई बाऊ की खुआरी, अरे अब हम कौन देश रम जाए भारी हूँ कहोती दिल मेरे, आज बल खड़मी रहो बिलखाई खबर मेरी मोहन ले लियो, मन मोहन ले लियो रेखा
घर में रहो बिलखाई खबरी मन। सज्जनों, बालक रोता हुआ जा रहा था, इधर क्या देखा, राजगढ़ के राजा अपने घोड़ा पर सवार होकर और उसी जंगल में पहुंचे। उन्होंने इस बालक को रोता हुआ देख गोद में ले लिया और सोचने लगे, हे विधाता, मेरे भी कोई बालक नहीं था, बाहरे प्रभु तुम्हारी कृपा, हे प्रभु तुम्हारी लीला तो बड़ी निराली है, ये बालक आपने मुझे दिया। गोद में उठाया और अरे मुख पुचकार लियो नपनी, अरे मुख पुचकार लियो नपनी, और गोदी मिल जलाल उठायो, अरे आई गयो निज महल में चल दिया, अरे आई गयो निज महल में, और तब रानी सुन बचन सुनायो, बोले हे रानी, मेरे कोई बालक नहीं था, लेकिन देखिए विधाता ने कितना सुंदर बालक मुझे दिया। अरे जीवन सवरो बीत गयो, अरे जीवन सवरोई बीत गयो, मिनि नाई संतान को मुख लख पायो, और अरे जन्म सफल दो उनके भाई रानी, अरे जन्म सफल दो उनके भाई, जे बालक मोई विधनान पठायो, सज्जनों अपने महल में उस बालक को लेकर पहुंचे और अपनी प्राण प्यारी से जाकर के कहे, ये कितना सुंदर बालक भगवान ने मेरे लिए दिया है, इस बालक पर ही हम दोनों आस लगाएंगे और यही मेरा नाम रोशन करेगा बंधुओं। ऐसा ही नहीं, महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने बेटे का नामकरण भी कराया है, उस पुत्र का नाम रखा गया चंद्रभानु। ऐसा ही नहीं, बालक धीरे धीरे सयाना हुआ, अब उस बच्चे को गोदनामा लिखा करके राजा और रानी दोनों ने मिलकर के क्या किया कि उस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजने लगे। बंधुओ धीरे धीरे बालक जब पढ़ के सयाना हो रहा है, ऐसा ही नहीं, उसकी यश कीर्ति की ध्वजा चारों तरफ लहरा रही, उस पुत्र की बड़ाइयां हो रही, पूरे फलाने राजा का पुत्र बड़ा ही अच्छा है, उसके गुणों की पूजा होने लगी। क्या हुआ, अरे धीरे धीरे ललाजू भयो सयानो, और कर रही बेटे प्यार मात यति भारो, अरे राज काज में निपुण, उम्र की हुई रही जे जे कार, राज काज में, भैया राज तिलक करीवे की भूपने करी तैयारी है,
राजा तिलक करिवे की भूपने। सज्जनों, आज मंत्री ने जो ही देखा उस बच्चे की उंगली कटी है, मंत्री ने उस बच्चे को पहचान लिया, सोचने लगा ये तो वही लड़का मालूम पड़ता है जिसे मैंने मरवाने के लिए जल्लादों के हाथ भेजा था। मुझे लग रहा है कि जल्लादों ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। मेरे बंधुओं, वही चिंता में पड़ गया मंत्री, और उसने क्या किया, बात बना करके उस लड़के के पिता से कहा है कि महाराज मैं कुछ कागज घर भूल के आई है, ऐसा करो अपने राजकुमार को भेज दो और उन कागजों को मंगा लो। बोले ठीक है मेरे बंधुओं। और उसी समय मंत्री ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिख दिया है कि पहले इनका स्वागत सम्मान करना और फिर इनको विष देना है, और पत्र बंद करके उस राजकुमार को दे दिया। उस पुत्र को, उस लाला को नहीं मालूम है भोले भाले को कि मेरी मौत का सामान इस दुष्ट ने पुनः तैयार कर दिया। बालक ने पत्र लिया, घोड़ा पर सवार होकर उज्जैन नगर के किनारे एक सुंदर बगीचा देखा, वहीं घोड़ा खड़ा कर लिया बंधुओं और अपनी जीन वहीं डाल दी और लेट के विश्राम करने लगा। तू लिखा क्या है कि रची दुनिया सारी, रची दुनिया सारी लीला प्रभु की अजब निराली। अरे रची दुनिया सारी लीला प्रभु की अजब निराली, बताया बेटा जब ही नगर ढिंग आयो सुंदर एक बगीचा पायो। अरे लखी छाया प्यारी लीला प्रभु की अजब निराली, इधर तो बालक विश्राम कर रहा था, ठंडी हवा के झोंके लगे तो उसे नींद आ गई। इधर उसी मंत्री की पुत्री घूमती घूमती बगीचे में आई है बंधुओं और अरे मंत्री सुता बाग में आई बेटा की सूरत जाकर के सूरत को देखा, सोचने लगी ये तो बड़ा सुंदर कोई है, ये तो किसी का राजकुमार लग रहा है, और मन में विचार आने लगे हे प्रभु शादी तो होगी, लेकिन अगर कहीं ऐसा ही पति मुझे मिल जाता। क्या बोली कि हमको ऐसे ही साजन मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। हमको ऐसे ही प्रीतम मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती।
जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा कर कर नौई अगाती। हसी हसी के रात दिल बतलाती, मेरे सब मन की हुई जाती। और क्या बोली, अगर कहीं ऐसे प्रीत मिलते तो मैं थोड़ी नहीं बहुत सेवा करती, बहुत बहुत मन से। अरे तन मन सौंपी परम सुख पाती, अपनी अखियन बीच बसाती। अरे तन मन सौंपी परम सुख पाती, अपनी अखियन बीच बसाती। और सेजन पे ले सुनाई पाती, मेरे सब मन की हुई जाती। हमको ऐसे प्रीतम मिल जाते, मेरे सब मन की हुई जाती। सज्जनों, लड़की मन में सोच रही, तब तक उसकी निगाह गई कि जेब में एक पत्र रखा था। उस पत्र को खोल के जब लड़की ने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि पहले इनका स्वागत सम्मान करना और फिर इनको विष देना है। लड़की सोचने लगी, भला मेरे पिता से इनकी इतनी क्या दुश्मनी है जो इन्हें मरवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं इनको मरवाने नहीं दूंगी। उस लड़की ने क्या किया बंधुओं, एक पतली सी सीख हाथ में ली और अपनी आंख से काजल लिया और जहां विष लिखा था उस विष की जगह क्या किया, विष की विषया जले कर दीनी और तनिकन देर लगाई है और पत्र जेब में रख दीनो, फिर लली महल में आई है। उस लड़की का नाम था विशुभा, तो विष की जगह उसने एक शब्द और बढ़ा दिया। क्या किया, विष की विशुभाजन कर दीनी, तनिक न देर लगाई है। जे हो, पत्र जेब में रख दीनो, फिर लली महल में आई है। कुमार द्वार पायो, वन फोरन पत्र गहायो। सज्जनों, लड़के ने इतना करके काम पत्र ज्यों का त्यों रखा
अपने घर के लिए चुपचाप चली आई। जैसे ही आंख खुली तो उस लड़के ने क्या किया, मंत्री के दरवाजे पहुंचा और उसके पुत्र मदनपाल को जाकर के पत्र दिया। जो ही मदन ने उस पत्र को खोल के पढ़ा है कि पहले इनका स्वागत सम्मान करना और फिर इनको विश्वास देना है और इतना काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। मंत्री का पुत्र चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा भला पिताजी को इतनी कौन सी जल्दी पड़ गई जो बहन की शादी इतनी जल्दी, क्योंकि वो नहीं समझ पाया कि इसमें चाल क्या है। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा लड़का हो और कहीं हाथ से निकला जा रहा हो, तो इसलिए पिताजी ने जल्दी कह दिया हो कि इसकी शादी जल्दी कर देना मेरे आने से पहले। उस लड़के ने अंदर बैठा ला उस राजकुमार को और अपनी बहन से कहा, बहन हाँ इनका बड़ा स्वागत सम्मान करना। हाँ हाँ, तब आदर करी बैठा रो है कैसो समय सुहानो आयो है। हाँ, तब आदर करी बैठा रो है कैसो समय सुहानो आयो है। यही मेरी बहन का प्राण पति है, बोले इसका इनका बड़ा स्वागत करना और मैं जा रहा हूं थोड़ा कुछ मार्केट से सामान ले आऊं और मुझे तैयारी करनी बहुत जल्दी से शादी के लिए। प्रिय सज्जनों, लड़की की तो इच्छा थी ही उस पुत्र के साथ। मंत्री पुत्र बाजार के लिए चला जाता है सामान लेने के लिए और इधर लड़की और वो लड़का दोनों आपस में बात कर रहे, तो लड़की पूछने लगी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं ये बताइए। कि तुम कौन कहां से आए हो और कौन पिता महतारी है। सज्जनों, इधर सारा हाल आपस में दोनों बातचीत करते रहे और
तब तक वो लड़का सामान खरीद के जल्दी जल्दी आया और सारा काम करा दिया, मंडप गढ़ाया, पंडित जी को बुलाया और सारी तैयारियां करवा दी। और ऐसा ही नहीं, पंडित लाए बुलाई लगुन लिखवाई करी तैयारी और जन ये कई दिन में दई भमरियां टारी। क्या हुआ? इधर मंत्री सोच रहा है कि मेरे बालक ने उस दुष्ट को मरवा दिया होगा, लेकिन बाहरे परमात्मा इतना मंत्री करे विचार, दुष्ट को मार कहां जन कियो, राजा से आज्ञा मांग गबन कर दियो। शतगुर मलहा बन की आबेंगे भैया भूल न जाना, शतगुर प्रिय बंधुओ। जल्दी से ही उस लड़के ने शादी कर दी दोनों की। और इधर मंत्री ने सोचा कि बहुत देर हो गई और अभी वे पता नहीं उन दुष्टों ने कहां डाला हो उसे मारकर, चलो चल के देखते हैं। महाराज से आज्ञा ली और मंत्री जब घर आया है तो देखा तो वहां की दशा ही कुछ और थी बंधुओ। वहां तो मंडप गढ़ा, शादी विवाह हो चुका। मंत्री के दिमाग में झटका लगा, बोले बाहरे बाबा जी, बाबा जी की बात तो सच हो गई। उन्होंने कहा था कि यह तेरी पुत्री का दूल्हा बनेगा, यह सच है कि विधाता के लेख को कोई मेट नहीं सकता। मेरे सज्जनों, अपने बालक को क्रोध में मंत्री ने बुलाया और कहा है, रे दुष्ट, मैंने पत्र में क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि इस दुष्ट को विष दे के मारना है और तूने ये क्या कह दिया? बोले पिताजी, आप देखिए पत्र में विष नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि विषवा देना है और उसमें यह भी लिखा है कि मेरे आने से पहले इतना काम हो जाना चाहिए, तो मैंने पिताजी उसे जल्दी जल्दी कर दिया, आपकी आज्ञा का ही तो पालन किया है। मंत्री ने गाल में ताड़ से तमाचा दिया, रे दुष्ट, तुझे इतनी भी अकल नहीं है, तू चल राज्यसभा में थोड़ा बैठा कर, तब तुझे अकल आएगी। मंत्री का लड़का तो राज्यसभा में चला गया। इधर उस मंत्री ने क्या किया है, पुनः उस लड़के के लिए मौत का सामान तैयार कर दिया। बंधुओं, मंदिर में जल्लाद लगा दिए और उस बालक से कहा है कि बेटा, शादी होने के बाद में मां की पूजा करने के लिए जाया जाता है, तो आप जाओ मंदिर में पहले पूजा करके आओ, उसके बाद में जाना। तो आरती का थाल सजाकर वो बालक जब चला है, और इधर महाराज सूरसेन ने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरी बेटी शादी योग्य है? और महाराज, कोई सुंदर सा लड़का हो तो बताओ। गुरुदेव ने कहा है कि राजगढ़ के राजा जो है उनका पुत्र चंद्रभानु जो है बड़ा सुंदर बालक है और उसकी इस कीर्ति की ध्वजा चारों तरफ फहरा रही, आप उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दें। जब इतना सुना तो मंत्री का लड़का बोला, महाराज वो तो बालक अभी मेरे घर है। बोले, तेरे घर? हां, तो ऐसा कर बेटा, उस बालक को मेरे घर बुला के ला, अभी मेरे पास में, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो वो मंत्री का बालक वहां से भागा उस पुत्र को बुलाने के लिए। इधर वो लड़का मंदिर की तैयारी करके चला है आरती का थाल लेकर। क्या हुआ? सुन के राजा की बात ओ कुमार ने जोड़े दो हाथ, और आज्ञा मान लई रे राजा की, आज्ञा मान लई रे राजा की, बेटा चल दीनो हरशाई। क्या हुआ? पहुंचो मार्ग में जाए राजीव, क्या होने शीश गई है छाई।
चिंता गई है दिल में छाई। राजा की बात स्वीकार करके बालक वहां से चला। मेरे बंधुओं पहुंचो मार्ग में असगुन लखे आजू बेतानी, असगुन लखे आजू बेतानी, चिंता गई है दिल में छाई। मेरे सज्जनों इधर तो वो लड़का वहां से आ रहा है उस बालक को बुलाने के लिए, और इधर मंत्री ने क्या सोचा कि अब ये दुष्ट किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचेगा। बाहरे प्रभु और क्या सोच रहा है, अरे बेधना की लीला है न्यारी, के चिंता है दिल में बारी। कोशिश होगी तहां तक मैं अपनी बेटी को इसकी पत्नी नहीं बनने दूंगी। राजीव अरे दुष्ट दुष्ट को कब हूं न छोड़े चाहे बोला थक करे उपकार, अरे कड़वो नी मजू मीठो न हुई है चाहे वैसी जो दूध की धार। जल्लाद का धोखा मेरे संग कर दियो, अरे मेरे संग कर दियो धोखा जन मेरे संग कर दियो, हाँ मेरे दुश्मन भाई जल्लाद के भैया। मंत्री बहुत खुश हो रहा है, बोले एक बार बच गया दो बार बच गया लेकिन अब ये अंतिम बार नहीं बचेगा। मेरे श्रोता बंधुओं इधर तो मंत्री का बालक उस बच्चे को बुलाने के लिए आ रहा, और इधर चंद्रभानु रास्ते में पहुंचा पूजा के लिए, रास्ते में अंगारी घेर ली आकर मंत्री पुत्र ने, और कहा है भैया तुम्हें तो राज दरबार में मेरे महाराज ने बुलाया है और आप उनके पास चले जाओ, उन्हें तुमसे कुछ काम है। भैया चले जाओ, क्या हुआ
आरे जावत कुमर लखो है मदन ने और बकी पैया पकड़ नहीं जाए। अरे तुम्हें बुलवायो है मेरे महाराज ने और तुम तनिक न करियो यवा। जब मंदिर में पहुंचो है दुश्मन बैठे ही घात लगो। मंदिर में मच गई और वकी लाश गिराई दई जाए। भैया भाई मंदिर के बीच कुमर को मार गिराओ है। भैया भाई मंदिर के बीच सज्जनों मंत्री का पुत्र थाल लेकर मंदिर में पहुंचा और वो राजकुमार राजसभा में गया और इधर जल्लाद लगे हुए थे मेरे सज्जनों, जैसे ही अंदर पैर रखा तो दुष्टों ने उस बच्चे को खत्म कर दिया। मेरे बंधुओं इधर मंत्री ने जब सुना हाय हाय गजब हो गया। मंत्री रोता हुआ चला बोले बाहर विधाता मैंने दूसरे के लिए किया है तो ये आपने क्या कर दिया, मेरा ही पुत्र ले लिया। अरे होनी से पेश नहीं जाती अरे होनी से पेश नहीं जाती और बैठो घुमाई की दुनिया लाती। अरे जब मोती शीशा मड़ राती और तब कछु कल नहीं गुइया आती। मंत्री ने सुना कि मेरा ही बालक मर गया उसी समय। अरे सुन के मरण आज बेटा को मंत्री गिरो तड़ा को आज रोव तू जावे और भाग तू जावे मंदिर की सीध जन लई है लगा। अरे हमने पठो राज दरबार को कैसे गौ तो हियन पे आई। अरे जादू समन कुमारन भेजो पापी कोने लो तो बिलमा भई। अरे हे प्रभु अंतरयामी स्वामी ऐसी कहा रखी भगवान जने जैसी सिर पटक को पत्थर पे तो देवी ने खींचे ही जाके तो। जैसी मंत्री ने सर पटका तो मंत्री के भी प्राण मैया ने खींच लिए। इधर उस बालक को पता लगा है कि मंत्री और उसका पुत्र दोनों मर गए। मंत्री की पुत्री भी विलख रही है और पत्नी भी अन्य निवांत विलाप कर रही, स्वामी एक बार बोल सुना दो। लेकिन
उस लड़के ने देखा ये तो बहुत गलत हो गया, आसन लगा के कुमार बैठ गया और उस बेटा ने मैया की इतनी स्तुति की है कि मां को प्रसन्न कर लिया है मेरे बंधुओं। आसन लियो लगाई कुमार ले जाए मंदिर में उभाई, ओ करी स्तुति रात दिन मैया को लियो मनाई। जब माँ को प्रसन्न किया है मैया उसकी सेवा पर प्रकट हुई और बोली बताइए लाल क्या बात है। तब कियो मातले चित्र करो मत फिक्र लाल मेरो प्यारो, लाल मेरो प्यारो तू जो बतलावे काम करे हमसारो, तू जो बतलावे काम करे हमसारो। भैया कर कर पूजा आज कुमार ने मात मनाई लई है, भैया कर कर पूजा आज इतनी प्रार्थना की है कि मैया प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली बताइए तेरी क्या इच्छा है। बोले माँ ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, इन दोनों को जीवित कर दो। तो मैया ने कहा है लाल तुझे पता नहीं है कि ये तेरे पीछे कब से पड़ा है, बालक मैंने तो तेरा कांटा निकाला है जीवन का और नहीं तो ये तुझे सारे जीवन परेशान करता। बोले नहीं माँ तुम तो प्राण देने वाली हो माँ, और ये तुमने क्या किया है, तुम्हें जीवित कर दो। मेरे बंधुओं मैया प्रसन्न हुई और उन दोनों को प्राण दान दिया, दोनों को जब जीवित कर दिया तो मैया बोली कुछ और तेरी इच्छा है पुत्र। बोले हाँ एक मेरी माँ जो मुझे पाल रही थी ना वो मेरी मैया पागल हो गई और घर से निकल गई है, माँ मुझे उस मैया का पता बता दो कि मेरी मैया है कहाँ। तो माँ ने जवाब दिया सुन बालक वो माँ तेरी मिल जाएगी। आरे जाई नंगर के बीच और घूम रही तेरी रे महतारी, नंगर के बीच घूम रही तेरी महतारी और पागल सी हुई गई रात दिन रोई रही दुखियारी, अरे पागल सी हुई गई माँ मेरी मैया पागल हो चुकी है। तो मैया मुझे ये बता दे मेरी माँ मुझे पहचानेगी कैसे, मेरी माँ मुझे कैसे पहचानेगी। तो माँ बोली सुन पुत्र परेशान न हो, अरे माता तेरी तो मिली जाएगी सत्य, अरे माता तेरी तो मिली जाएगी और तू झुके के छुए चरण ठीक वो सब विधि है जाएगी, तू झुके के छुए चरण मैया ने जवाब दिया लाल तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तू जब अपनी माँ के चरण स्पर्श करेगा तो तेरे शरीर का स्पर्श होने से उस माँ को सब कुछ याद आ जाएगा लाल। और अरे कुमार को उमड़ी गयो ही हो जे हो, अरे कुमार को उमड़ी गयो ही हो और देखी आशीर्वाद गवन फिर देवी ने कियो, अरे प्रिय श्रोता बंधुओं आज
राज मैया सारा सब कुछ हाल बताकर वहां से अंतर ध्यान हुई और वहीं से उस बच्चे ने अपनी माँ को जब ढूंढवाया है तो माँ भी मिल गई, माँ के चरण स्पर्श किए तो माँ भी ठीक हो गई और मंत्री ने बड़े विधान से विवाह करके उस पुत्र को बड़े प्यार से वहां से विदा किया है। सज्जनों, राजगढ़ का भी राज उस पुत्र को मिला है और उसके बाद में जो उसके माँ बाप खत्म हो चुके थे पंचमढ़ी वहां का भी राज उस बालक ने प्राप्त किया और अंत में उस बच्चे की जय जयकार हुई। बंधुओं, आइए देखते हैं। श्री नर्मदेश्वर भगवान जो नाथ भेला मऊ बाले हैं, श्री अरे सुनील शास्त्री नाम मेरो राजीप यादव भ्रात मेरो, हाँ सुनील ढोलक दैय बजाई, हाँ बजाई जो नाथ भेला मऊ बाले हैं, अरे तने शलद पुरा वाले हैं और इनके ठाट निराले हैं, जिन चिमटा दो बजाई हाँ बजाई जो नाथ भेला मऊ वाले हैं, अरे श्याम वीर शिष्य हमारो है जो नंगला दिक से आयो है, जन घड़ा दो चटकाई चटकाई जो नाथ भेला मऊ वाले हैं, सज्जनों ये संगति जो कर रहे हैं राजीव भाई ढोलक पर, चिमटा पर दिनेश भाई और घड़े पर श्यामवीर और हमारे सत्यम भाई उर्फ सत्यवीर जी और हमारी छोटी बहन कुमारी रूबी जी, आइए। अरे पेठ कदम की छैया मुरलिया बजाई चाहिए और श्याम पसुरिया, बजाई चाहिए और श्याम, अरे चार महीना आए पर साके चार महीना, ओ लला अरे टप टप हो बे